कार्रवाई की गल करिए पार्टी वालों जो ग्रीन सिग्नल है वो मेरे को भगवंत पाल सिंह सच्चर जो मिलया है वो मुताबिक उन्होंने पता है कि टिकट सानू नहीं मिलनी इस करके बर्दाश्त नहीं होया इस करके भज के आम आदमी चले गए दुनिया वायरल करते सन अब उन्होंने वायरल हो रहे हैं जिहड़े अपने आप को टकसाली कांग्रेसी कहते सन अज वो छड़ के दूजी पार्टी चले गए पर अफसोस कि असी पहले दिन तो कहते सी कांग्रेसी नहीं जे पार्टी इन्हों टिकट दे दे तो फिर ये कांग्रेसी जे पार्टी टिकट इन्हों ना दे तो फिर ये कांग्रेसी नहीं अमृतसर कांग्रेस देहाती दे प्रधान भगवंत पाल सिंह सच्चर ने अज मजीठा विधानसभा हल्के तो एक बार फिर तो अपनी ताल ठोकी है ते दावा किया है कि कांग्रेस वालों उन्होंने टिकट लई हरी झंडी मिल चुकी है। मजीठा विधानसभा हल्के च अज उन्होंने 12 करोड़ रुपए के विकास कार्यों लई चैक वंडे हैं। भगवंत पाल सिंह सच्चर ने इस मौके लाली मजीठिया ते राघव चड्ढा ते सियासी हमले किए हैं नाल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी लम्मे हत्थी लिया है। मजीठा विधानसभा हल्के तो ही एक होर उम्मीदवार वालों अपनी दावेदारी पेश किए जाने उन्हें कहा है कि सुपना वेखना हर किसी का हक है ते टिकट का फैसला पार्टी हाईकमांड ने करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी वालों पंजाब निर्माण अधीन सारे विधानसभा हल्कों जिहड़ियां ग्रांटा ने वो दित्तियां जा रही ने उस ही लड़ी के तहत साढ़े विधानसभा हल्का मजीठा दे विच भी पंजाब निर्माण के तहत सानू ग्रांट मुख्यमंत्री पंजाब जी वालों भेजी गई सी वो अज असी ब्लॉक तरसिका ते ब्लॉक मजीठा दे वक् वक् पिंडां नू जिहड़ियां वो ग्रांटा ने वो दे दित्तियां गईयां ने उहनां नू वंड दित्ते गए ने पैसे जिहड़े कुछ रह गए ने वो आउण वाले एक दो दिनां दे विच असी होर भी बाकी जिहड़े पिंड रह गए ने उहनां नू वो ग्रांट जिहड़ियां मुहैया करवावांगे। मेरे सवाल का जवाब पत्रकार साहब तुम आप ही देता जड़िया वायरल करते सन अज उन्होंने वायरल हो रहे हैं जेडे अपने आप को टकसाली कांग्रसी कहते सन अज वो छड़ के दूजी पार्टी चले गए पर अफसोस कि असी पहले दिन तो कहते कांग्रसी नहीं जे पार्टी इन्हों टिकट दे दे तो फिर ये कांग्रसी जे पार्टी टिकट इन्हों ना दे तो फिर ये कांग्रसी नहीं। 2012 दे विच कांग्रेस पार्टी ने टिकट जिहड़ी सी उह शैलेंद्र शैली नूं दित्ती सी इन्हां उस वक्त ही आजाद लड़ी सी 2022 दी गल करिए ते पार्टी वालों जिहड़ा ग्रीन सिग्नल है वो मेरे नूं भगवंत पाल सिंह सच्चर नूं जो मिलिया है उहदे मुताबिक उहनूं पता सी कि टिकट सानूं नहीं मिलनी इस करके बर्दाश्त नहीं होया इस करके भज के आम आदमी चले गए। तुसीं कह रहे ग्रीन सिग्नल तुहानूं मिलदा पिया लेकिन जगम जीतिया जी अपने आप च दावा कर रहे कि इस बार 2022 दी चोणां कांग्रेस दे बैनर हेठ उह लड़नगे। मैं कहना सुपना लैना कोई माड़ी गल नहीं हर एक नूं दावा करना चाहिए साड़ी नैशनल पार्टी है साडे कोई ब्लॉक का प्रधान भी सरपंच भी कोई भी अहुदेदार कांग्रेस पार्टी को टिकट जी है वह मंग सकता है लेकिन हर एक दावेदार बन सकता है ये कोई दोरावा नहीं साड़ी पार्टी का बड़ा वड्डा जिगरा है लेकिन फैसला जिहड़ा है वो हाईकमांड ने करना। जलंधर दे विच जो राघव चड्ढा दे नाल होया वा आपस दे विच आम आदमी पार्टी दे वर्कर इल्जाम लग रहे ने कि जिहड़े नकारे हुए दूजियां पार्टियां दे आगू ने उहनां नूं शामिल कर रहे ने ते दूसरा राघव चड्ढा दे इल्जाम लग रहा है कि इह पैसे लै के टिकटां दे रहे ने जिस तरह कल उह बच के गए ने ये तुहाडे मीडिया के कैमरामैन ने उन्होंने किस तरह कैप्चर किया मैं तुहाडी भी प्रशंसा करदा कि तुसीं खुल के लोगों को नशर किया कि राघव चड्ढे हुणी नकारे हुए बंदियां नूं लै रहे ने ते पैसे लैके टिकटां दे रहे ने। हरमित्र जी जो मजीठे हल्के तो कांग्रेस दे वर्कर है वो कांग्रेस तो नाराज चलदे पे इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने वल्लों कीती गई सी। कौन जी? हरमित्र सिंह। तुसीं नाम दस गलत लै रहे हो पहलों नाम दी दुस्ती कर लो फिर सवाल करियो जी। नॉट हरमित्र जसमित्र जसमित्र सिंह वो जिहड़े ने उन्होंने साड़ी पार्टी तो तुहाडे को पता लगा कि नाराज चल रहे हैं लेकिन आने वाले समय के भी वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वह भी लाली जी के नाल उन्हां दे बड़े नेड़े दे संबंध ने मैं समझना कि वह कांग्रेस पार्टी के झंडे थले फिर दोबारा आउणगे। मैं क्या तुहाडे सामने सारा कुछ ठीक हो जाएगा उन्होंने को मन के बलबले होणगे और जो साड़ी हाईकमांड है उन्हें शांत करा देगी कोई गल ढंडण तो होर कोई चारा नहीं 70,000 इन्हां कुर्सी लाई सी ते 700 आदमी उत्थे पहुंचिया सी वह उन्होंने हजम नहीं सी हो रहा इन्नी बेइज्जती कभी भी किसी देश के प्रधानमंत्री की मेरी 56 साल की उम्र हो गई मैं नहीं वेखी इस करके उन्होंने होछे हथ कंडे वरत के पंजाब की जिहड़ा गृह विभाग है उत्ते उंगली उठाई तो खास तौर पर पहलों पंजाब के अकालियों आम आदमी पार्टी
ਫੋਬੀਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਲੰਮਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, 8 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤਰੀਕ ਹੈ, 10 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।